गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, आई एम सतेशम, हेडमास्टर प्राइमरी स्कूल मकरंदपुर रसूलाबाद कानपुर देहात। टुडे इन द स्कूल आई एम गोइंग टू टीच माय स्टूडेंट्स अबाउट द यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। इन दिस क्लास आई एम गोइंग टू टेल माय स्टूडेंट्स अबाउट द यूज ऑफ ईवीएम, हाउ टू कास्ट देयर वोट्स। गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, बच्चों आज हम लोग इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के बारे में जानने के लिए यहाँ पर बैठे हैं। आप लोगों ने ये मशीन देखी है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। आप देखिए ईवीएम, इस मशीन को कहते हैं ईवीएम, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। ये ईवीएम मशीन का एक मुख्य भाग है, इसे कहते हैं बैलेट यूनिट। इसका प्रयोग अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए किया जाता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे प्रजातंत्र में चुनाव प्रक्रिया का एक विशेष महत्व है। चुनाव के माध्यम से ही हम प्रत्याशियों को चुनते हैं, उम्मीदवारों को खड़ा किया जाता है। उन्हीं उम्मीदवारों में से एक उम्मीदवार हमारे देश का प्रधानमंत्री बनता है, हमारे देश का मुख्यमंत्री बनता है, अन्य पदों पर वो आसीन होता है। तो आज हम लोग ईवीएम के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए यहाँ बैठे हैं। जैसे आपको इसमें कुछ उम्मीदवारों के नाम दिख रहे होंगे, दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं? उनके चुनाव चिन्ह भी दिख रहे हैं। मान लीजिए आपको निर्भय को वोट देना है, ये उम्मीदवार है, इनका चुनाव चिन्ह है एलसीडी टीवी। तो हमें क्या करना होगा, इनके सामने के जो नीले बटन को, किस बटन को दबाना होगा? नीले बटन को दबाना होगा। अगर नीला बटन जब हम दबाएंगे, एक बीप की आवाज आएगी, तेज एक ध्वनि सुनाई देगी हमें, उसका अर्थ होगा कि हमारा वोट पड़ गया है। यदि आपको आदित्य को वोट देना है तो उनका चुनाव चिन्ह क्या है, देखिए क्या चुनाव चिन्ह है उनका? बाल्टी के सामने बने हुए नीले बटन को दबाना होगा और जिससे हमारा वोट आदित्य को मिल जाएगा। तो आप लोग क्या मुझे ये बता सकते हैं कि वोट डालने का अधिकार किसको होता है? आप बताएं विमल, वोट डालने का अधिकार किसको होता है? 18 वर्ष के या उससे अधिक के लोग वोट डाल सकते हैं। 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के लोग अपना वोट डाल सकते हैं। सिट डाउन। क्या कोई बता सकता है कि अपना वोट कैसे डाला जाएगा? आइए लगी यहाँ आइए, आप बताएं कि आपको अगर अपना वोट डालना होगा तो आप किस तरह से अपना वोट डालेंगे, बताइए आप किसको वोट अपना डालना चाहेंगे? तो इसके लिए आप क्या करेंगे, तेज बताइए सभी लोगों को बताइए। कौन सा बटन दबाएंगे? नीला बटन दबाएंगे। जाइए बैठिए, सिट डाउन। आप कोई ये बता सकता है कि क्या आप लोग अपना वोट डाल सकते हैं? नहीं डाल सकते आप लोग अपना वोट, क्योंकि चुनाव प्रक्रिया में भाग लेने के लिए, वोट डालने के लिए व्यक्ति की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। तो आपको ये बता सकता है कि आप लोग क्यों नहीं वोट डाल सकते अपना? आप बताएं शिवांगी, आप बताएं कि आप अपना वोट, अभी हम 18 वर्ष के नहीं है इसीलिए हम वोट नहीं डाल सकते। अभी आप 18 वर्ष की नहीं है इसीलिए अपना वोट नहीं डाल सकते। तो आप लोगों को ये प्रक्रिया समझ में आई कि नहीं आई? यस सर। आप सिट डाउन बैठिए। आपको जिस भी उम्मीदवार को अपना वोट डालना है उसके चुनाव चिन्ह को देखिए, उसके नाम को पढ़िए और उसके सामने जो नीला बटन बना हुआ है उस नीले बटन को दबाएं और अपना वोट उसे आप दे सकते हैं। मुझे उम्मीद है आप लोगों ने भी ये वीडियो देखा है और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को भी ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। आगामी लोकसभा चुनाव में ईवीएम मशीन का प्रयोग किया जाएगा, तो इस माध्यम से, ईवीएम मशीन के माध्यम से मैंने आज छात्रों को बताने की कोशिश की कि अपना वोट किस तरह से करें। धन्यवाद।